दोस्तों द न्यूज़पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कितना भेदभाव हुआ सोचिए आप, हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते। एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो, हम आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। ये बहस चल रही है लगातार, और जैसे ही चुनाव करीब आता है तो बहस और तेज हो जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी आपकी मांग है, पहले कांग्रेस ने जनगणना नहीं की, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, सब गिनती हो गई, लेकिन आखिरी तक आंकड़े बाहर नहीं आए। जनगणना फिर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है। इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का तो जनगणना। अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। और क्या समय लगेगा आजकल, आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या समय लगेगा। बैंक के सबके पास आंकड़े हैं, आपके जनधन अकाउंट के आंकड़े हैं, गांव गांव मोबाइल है, आधार पहले ही बन चुका है, वे आपके वोटर आईडी है, न जाने कितनी जगह है जहां से आप पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर हासिल करना भी पड़ा तो केवल हमें क्या है, 100-200 लाइन वाला फोन लगाना पड़ेगा। ये आप फोन करिए, अपने आप रजिस्टर हो जाइए उसमें। जैसे याद कीजिए बीजेपी ने अपनी रजिस्टर किया था, मिस्ड कॉल करिए, रजिस्टर हो जाइए। याद है कि नहीं याद है? इसी तरीके से एक मिस्ड कॉल सेवा हम लोग कर देंगे, आप फोन उठाइए, फोन मिलाइए, और अगर आप साथ के सैनी मौर्या कुशवा हैं तो एक बटन दबा दीजिए, और अगर आप यादव हैं तो 3 नंबर बटन दबा दीजिए, अपने आप गिनती हो जाएगी। 3 महीना तो ज्यादा बता रहा हूं मैं, 6 महीना ज्यादा बता रहा हूं, लोग दिन रात फोन करेंगे, अपने आप गिनती हो जाएगी, और उसमें खर्चा भी नहीं होने वाला। और आरक्षण का सवाल, अभी कुछ बच्चे यहां आए थे जो लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया हुआ है। सरकार हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहते हैं हम सबसे बड़े हमदर्द हैं पिछड़ों के, भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि सबसे बड़े हम ही हैं जो कष्ट मिटा देंगे पिछड़ों के, दलितों के। बताओ यहां कितनी बार आए लोग अपना हक मानने, सम्मान मांगने, इन्होंने लाठी मार करके वापस किया है। इसलिए इस बार मौका मिलने जा रहा है आपको 22 के चुनाव में, असली वोट की लाठी अगर कोई मारेगा तो पिछड़े और दलित मारेंगे, जिनका हक और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने छीना। क्या क्या बताएं भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी भाषा, उनका ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के लोगों ने पूछ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार कहां है ऐसे मुख्यमंत्री। कहीं संविधान में कानून में नहीं है, ठोक दो। और ये अनपार्लियामेंट्री भाषा है, लेकिन ठोकने से चला रहे थे प्रदेश को।